नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। कानपुर में धन कुबेर पीयूष जैन के ठिकानों पर पड़े छापों में अब तक 195 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है, जो अब तक किसी प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जब्त की गई सबसे बड़ी रकम है। पीयूष जैन ने यह नोटों का अंबार कैसे खड़ा किया था, इसकी अब परते दर परते धीरे धीरे खुलती जा रही है। पीयूष जैन की कंपनी जब GST चोरी कर सरकार को चूना लगा रही थी, तब शायद कभी नहीं सोचा रहा होगा कि यह खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। और अब जानकारी मिली है कि पीयूष जैन और उसकी कंपनी की पिछले 2 महीनों से ट्रैकिंग की जा रही थी। जीएसटी की अहमदाबाद इंटेलिजेंस यूनिट के एडिशनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया है कि यह पूरी रेड बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी और इस केस की पिछले 2 महीने से ट्रैकिंग हो रही थी। इससे पहले सोमवार शाम वित्त मंत्रालय ने बताया था कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की अहमदाबाद यूनिट ने 22 दिसंबर को सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसमें कानपुर में शिखर ब्रांड पान मसाला और तंबाकू उत्पाद की फैक्ट्री, गणपति रोड कैरियर के कानपुर स्थित ऑफिस और गोदाम, परफ्यूमरी कंपाउंड के सप्लायर्स के कानपुर और कन्नौज स्थित ठिकानों पर छापा मारा गया था। ये पीयूष जैन की ही कंपनी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि पीयूष जैन के गुजरात कनेक्शन के बारे में। दरअसल अहमदाबाद में इसकी शिखर तानसेन ब्रांड का पान मसाला आता है। DGGI अहमदाबाद की निगरानी में करीब 3 महीने पहले ही एक टीम ने कानपुर में कंपनी और उससे जुड़े फर्मों की निगरानी शुरू कर दी थी। सभी सबूत और ठिकानों की पुख्ता जानकारी के बाद टीम ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की और फिर इस अकूत संपत्ति का खुलासा किया। जांच में पता चला है कि उत्पादन ट्रांसपोर्टर की मदद से GST बनाने के लिए उत्पाद को गुपचुप तरीके से फैक्ट्री से निकाला जाता था। इसके लिए फर्जी रसीदें बनाई जाती थी। ये फर्जी रसीदें ट्रांसपोर्टर ही बनाता था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।